Good morning, students. During the COVID period, we all were heavily dependent on our electronic gadgets and devices for most of our daily work, from getting news of current situation to entertainment. We also spent lot of our time talking and sharing gossips to our family and relatives, just to spend time, and this helped us a lot during that. So, this brings us to our today's chapter, Means of Communication. So, students, today we are going to learn about Means of Communication. We like to send and receive messages. The process of sending and receiving messages is called communication. Today, we have a number of ways to communicate with people living in other places. Here we have some means of communication. So, let us learn about it. E. First, Letter Long ago, pigeons carried messages from one place to another. Sending messages through a letter is a popular means of communication. Ek dusre ko लेटर भेजना ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वी कैन बाय पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर्स एंड स्टैम्प एनवलप फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस हम लोग पोस्ट ऑफिस में से ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स बाय कर सकते हैं जैसे पोस्ट कार्ड्स इन लैंड लेटर्स एनवलप्स एक्सेट्रा वी कैन राइट मैसेज ऑन देम वी पोस्ट द लेटर्स इन टू द लेटर बॉक्स पोस्टमैन डिलीवर देम टू द एड्रेसेस हम लोग इन लेटर्स का यूज़ मैसेजेस सेंड करने के लिए कर सकते हैं हमें ये लेटर्स पोस्ट बॉक्स में सेंड करने होते हैं और पोस्टमैन जो होते हैं वो उन्हें डिलीवर करने के लिए एड्रेसेस का यूज़ करते हैं पिन कोड्स रिटर्न विथ एड्रेसेस हेल्प द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ लेटर्स पिन कोड स्टैंड फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर ये जो लेटर्स होते हैं ये जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए वहाँ पर लिखा गया पिन कोड हेल्प करता है पिन कोड का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर मेल जो अर्जेंट लेटर्स होते हैं वो हम स्पीड पोस्ट थ्रू और कुरियर थ्रू भेज सकते हैं शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू टेलीग्राम द सेकेंड टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीफोन टेलीफोन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन टॉक टू पीपल विद इन सिटीज इन अदर सिटीज एंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो टेलीफोन बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हम लोग सिटीज़ में और इवन आउट ऑफ कंट्रीज में भी अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वी यूज़ एसटीडी कोड वेन वी टॉक टू पीपल ऑन फोन इन डिस्टेंस सिटीज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी इज़ सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग we use std code when we talk to people in other countries and the full form of isd is international subscriber dialing next means of communication is a mobile phone mobile phone also called a cell phone has become very popular nowadays through a cell phone we can also send sms मीन्स शॉर्ट मैसेजेस एंड एम एम एस मीन्स पिक्चर मैसेजेस स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऑल्सो वी ऑल वर् डिपेंडेड ऑन दिस मोबाइल स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी हम लोगों ने अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही अपने सारे वर्क कंप्लीट किए हैं इवन ऑफिस वर्क हो या स्कूल वर्क हो और बैंक वर्क हो ये सारे वर्क हम लोगों ने अपने मोबाइल के थ्रू ही कंप्लीट किए हैं सो इसीलिए मोबाइल फोन डेज इज वेरी पॉपुलर डिवाइस द नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज फैक्स वी कैन सेंड रिटर्न एंड प्रिंटेड मैटर टू अदर प्लेसेस थ्रू फैक्स इट रिचेज इंस्टेंटली फैक्स मीन्स अ कॉपी ऑफ लेटर दैट यू कैन सेंड बाई टेलीफोन लाइन्स यूजिंग अ स्पेशल मशीन फैक्स मशीन के थ्रू भी आप मैसेजेस भेज सकते हैं जो इंस्टेंटली पहुंच सकते हैं द नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज न्यूज पेपर अ न्यूज पेपर गिव्स अस अ डिटेल न्यूज

इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वह न्यूज़पेपर में आपको देश और विदेश की खबरें हर एक इवेंट के साथ अवेलेबल हो जाती है इसीलिए न्यूज़पेपर एक पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है रेडियो वी कैन लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़ सॉन्ग्स एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो ऑल इंडिया रेडियो इज कॉल्ड आकाशवाणी एफ एम रेडियो हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज रेडियो पर भी आप लेटेस्ट न्यूज़ सॉन्ग्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स सुन सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम से भी बहुत फेमस है लेकिन नाव डेज एफ एम रेडियो इज वेरी पॉपुलर सो एफ रेडियो का यूज़ अभी सारे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टेलीविज़न और टेलीविज़न इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी वॉच मेनी प्रोग्राम्स लाइक मूवीज़ सीरियल्स न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स ऑन टी वी लाइव टेलीकास्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स हैव मेड द टेलीविज़न वेरी पॉपुलर टेलीविज़न एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है टेलीविज़न पर आप आपके पसंदीदा मूवीज़ सीरियल्स न्यूज़ और स्पोर्ट्स देख सकते हैं इवन आप लोग फुटबॉल क्रिकेट और आदि खेलों के लाइव टेलीकास्ट भी आप टीवी पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल किए जाते हैं टेलीविज़न एक ऑडियो और वीडियो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इसीलिए टेलीविज़न आम लोगों में बहुत पॉपुलर मीनस ऑफ कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न आर कॉल्ड मास मीडिया The next means of communication is computer. Email and internet are two means of communication through computer. We can know about the latest happening through the internet. We can send and receive messages through email. Email stands for electronic mail. From anywhere in the world, people communicate through website. Dunya Barki latest news. हमें इंटरनेट थ्रू विद इन अ सेकेंड मिल सकती है हम लोग बहुत ही फास्ट मैसेजेस ईमेल के थ्रू कहीं पर भी दुनिया भर में भेज सकते हैं इसीलिए कंप्यूटर एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं जैसे स्कूल बैंक हॉस्पिटल इवन इन एयरपोर्ट इन सभी जगह पर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंक्स दिस इज टाइम सेविंग एंड फास्ट डिवाइस कंप्यूटर्स आर यूज स्कूल्स फॉर टीचिंग सब्जेक्ट दिस मेक लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स टू प्रिजर्व द डाटा ऑफ Patients. Computers are used in communication. This helps us to contact any person in any corner of the world. Computers are used at airports to monitor the flight's movement. Is tarah computer ke bahot sare uses hai. Satellite communication also take place through satellite. दे हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर फॉर एग्जाम्पल वी कैन वॉच अ क्रिकेट मैच लाइव बींग प्लेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड सेटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इवन आप जो लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो आप लाइव टेलीकास्ट जो देखते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही किया जाता है तो मॉडर्न और इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेटेलाइट है स्टूडेंट्स दीज ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वर्ल्ड क्लोजर इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड बहुत ही क्लोज आ चुका है ना स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व वर्कशीट नंबर ट्वेल्व टेक ए पार्ट Fill in the blanks. First fill up is the process of sending and receiving messages is called dash dash. The process of sending and receiving messages is called communication. Second number fill up is a dash dash post reaches faster than an ordinary post. A speed post reaches faster than an ordinary post. Third number Philippies. A uh, dash dash gives detailed information of events. A newspaper gives detailed information of events. Dash dash phone has become the most common means of communication these days. Mobile phone has become the most common means of communication these days. Take a B part, right? True or false? Students, you have to read the sentence carefully, then you have to write the answer. First number sentence is We can read information from a radio. This sentence is false. Write false in front of this sentence. Second number sentence is We can see and listen to programs on TV. This sentence is true. Third number sentence. We can send messages to many people through email. This sentence is true. Fourth number sentence is STD means simple telephone dialing. This sentence is false. Mobile phone is also called a cell phone. This sentence is correct. So write truth in front of that sentence. Now take a C part write the full form of the following we have to write full form of this shortcut words first number tv tv full form of tv is television full form of pin is postal index number full form of std is Subscriber trunk dialing. Full form of ISD is international subscriber dialing. Full form of email is electronic mail. Take a deep part. Name these means of communication. First number. Dash dash is a means of sending messages through the internet. Email is a means of sending messages through e internet. Second number. Dash dash is used to watch news and various programs. Television is used to watch news and various programs. Third number sentences dash dash is used to send short and urgent messages telegram is used to send short and urgent messages fourth the number sentences dash dash are sent through the post office letters are sent through the post office students you will get question and answers in pdf form so take care of yourself Goodbye. Thank you.